हम बात कर रहे हैं BHEL की, बेल की। अगर आज के दिन की बात करें तो हमको फ़िलहाल 1% के अपसाइड के साथ ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक हमने देखा 114 की लेवल से 114 की लेवल से लगातार अप ट्रेंड में हमको नज़र आ रहा है, बड़ी तेज़ी आ रही है। उसके बाद करेक्शन दिखाया है, फिर वहाँ से फिर ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे पहले भी हमको 140 के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था और इसी लेवल से बाउंस बैक करके स्टॉक ने 144 तक के टारगेट दिखाए थे। और जैसे चार्ट को देखें तो स्टॉक ब्रेकआउट करने की पूरे पूरे चांस यहाँ नज़र आ रहे हैं। 144 का इसका जो लेवल है वो ब्रेकआउट होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं और स्टॉक ऊपर के ओर ही कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारा इमीडिएट टारगेट भी रहेगा 144 का लेवल। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म वाले स्टॉप लॉस कैरी फॉर को कर सकते हैं, 136 के लेवल को स्टॉप लॉस माप लगा कर चल सकते हैं। 136 का लेवल इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हमको अगेन बड़ी गिरावट, हमको 128 तक का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है। 128 से 124 तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन यहाँ अभी बड़ी गिरावट आना मुश्किल है। स्टॉक ऊपर के ओर ही ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि चार्ट भी उस वही हमको बता रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट के पूरे पूरे ब्रेकआउट के चांस बने। 144 का लेवल पहला टारगेट है और इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट दे गया है तो ऐसे कंडीशन में हमको 150 से लेके 160 तक के भी टारगेट इसमें ईजिली शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। पोजिशन बनाई हुई है तो होल्ड किया जा सकता है 136 के स्टॉप लॉस के साथ, 136